सभी महानुभावों का हमारे कवि सम्मेलन में स्वागत है। तालियां तालियां। अरे हम तो यहाँ ये पूछने आए थे कि कल की क्लास में हमारे सर जी ने हमें कविता पढ़ाते हुए इम्प्लिसिट सिमिली कुछ बताया था, पर हमारे तो सर से ऊपर चला गया। हम यहाँ पर तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं आए हैं, पर अगर तुम्हें इम्प्लिसिट सिमिली नहीं आया समझ में तो ये सुनो, ना प्याज है ना आलू है, तेरी शकल जैसे भालू है। ना प्याज है ना आलू है, तेरी शकल जैसे भालू है। अरे ये क्या, आप तो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से। अरे सुनो सुनो सुनो, आप तो हम समझा रहे हैं इम्प्लिसिट सिमिली क्या होता है। ये तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है आप मुझे समझाइए। इम्प्लिसिट सिमिली, पहले इंग्लिश में सुनिए। इम्प्लिसिट सिमिली इज अ सिमिली इन विच द रीडर मस्ट इन्फर व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड। यहाँ पर जो सिमिली होती है उसमें मीनिंग रीडर के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो उसका क्या मीनिंग निकाले। अच्छा ऐसा होता है तो हम आ जाते हैं और आपको थोड़ा सुन लेते हैं। अब जो मैंने आपको यहाँ पर एक कविता सुनाई, वो कविता मैं फिर से आपको सुनाता हूँ और फिर से आपके पास आता हूँ। मैंने कहा कि आप भालू जैसे हैं, यू आर लाइक अ बेयर। यहाँ के इस सेंटेंस के दो मतलब हो सकते हैं, यू आर फरी, आपके बहुत सारे बाल हैं, या आप बहुत लेजी हैं, यू आर लेजी। तो अब आपको समझ आ गया होगा, इम्प्लिसिट सिमिली में हमें मीनिंग रीडर के ऊपर या जो श्रोतागण होते हैं उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है। अरे वाह, तालियां तालियां तालियां।